व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हम सभी लोगों में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। कुछ लोग इन कमियों को जिंदगी की रुकावट समझ लेते हैं तो कुछ प्रेरणा स्रोत। यह धारावाहिक उन लोगों के जीवन से प्रेरित है जो सभी प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। बस उन्हें चाहिए एक थपकी प्यार की। कुछ भी करके ना बड़ी सासू माँ को थपकी से दूर रखना पड़ेगा। उनको पता नहीं चलना चाहिए, सबकी रुक रुक के बोलती है। इन बच्चों के बचपने की वजह से तुम इतनी परेशान हो गई हो और यहाँ पे बंद हो। ध्रुव पैसों का इंतजाम कर रहा है और तुम्हें जल्दी ही बाहर निकाल लेगा। अब तुम्हें इशारों में बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे ना सुनाई पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तुम अब मुझसे बात कर सकते हो। जी आंटी जी, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इसलिए तो मैं भी आई हूँ तुम्हारे पास, मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जो रोके में हार दिया था वो तुम्हें पसंद आया कि नहीं? हाँ आंटी जी, बहुत पसंद आया। हम बोल रहे हैं ना, हमारा सलमान ही सबसे बढ़िया है। अरे मैंने कहा ना, मेरा शाहरुख बहुत अच्छा है। अरे हमारा सलमान ना हमको चॉकलेट आइसक्रीम सब कुछ लाके देता, वो भी गाना गा के। तुमने देता है का? मेरा शाहरुख ना मुझे स्विट्जरलैंड घुमाने ले जाता और वो भी गाना गा के, समझी? अरे ये पार्टी क्या तुम लोग के झगड़े के लिए रखी गई है? अरे बड़ी सासू माँ, आप हाँ, हाँ, आप फैसला करिए। मेरा शाहरुख बहुत अच्छा है। बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो तुम लोग, पागल हो गई हो क्या? अब बड़ी सासू माँ, अब आप जब तक हमारा फैसला नहीं करेंगे ना, तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। अब आप ही चुप बंद करो बकवास, जब तक तो बेकार की बातें करती रहती हो तुम लोग। शाहरुख सलमान में जिंदगी में कभी मिली नहीं है, लेकिन मरी जा रही है उन लोग के लिए। दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भी ध्यान नहीं था। अच्छा सुनो साक्षी, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया मुझे? पर आंटी किस बात के लिए? मुझे थपकी जैसी प्यारी सी बहू दिलाने के लिए। ना तुम होती ना थपकी मेरे घर की बहू बनती। हाँ आंटी मैं समझी नहीं, मैंने क्या किया? थोड़ा सा जोर से बोलो, बहुत शोर है ना। मेरा मतलब आंटी मैं कुछ समझी नहीं, मैंने ऐसा क्या किया? मैं जानती हूँ कि दफ्तर में नए लोगों को काम पर तुम ही रखती हो, इसलिए थपकी को भी तुमने चुना होगा, तभी तो वो दफ्तर में आई और फिर हमारी जिंदगी में, इसलिए शुक्रिया। और हाँ एक और बात कहनी है। जी आंटी कहिए। तुमने थपकी के अलावा एक और लड़की को दफ्तर में काम पे रखा है ना, वो जो रुक रुक कर बोलती है। मैंने ध्रुव को एक बार दफ्तर में फोन किया था, उसने ही उठाया था फोन। हेलो। हेलो ध्रुव है जी, वो एक जरूरी काम में बिजी है। थपकी और ध्रुव की शादी में ना दफ्तर के सभी लोग आएंगे, पर ध्यान रहे एक बात का, वो रुक रुक कर बोलने वाली लड़की ना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। घर पे तो क्या, घर के आसपास भी कहीं नजर नहीं आनी चाहिए वो तो। मुझे ना ये रुक रुक कर बोलने वाले लोगों से थोड़ी सी चिढ़ मचती है। मैं तो कहती हूँ कि मौका लगते ही उसे दफ्तर से भी निकाल बाहर करो। समझ गई? जी आंटी जैसा आप कहें। अरे वाह, आंटी को तो पता ही नहीं है कि वो रुक रुक के बोलने वाली लड़की कोई और नहीं, उन्हीं की होने वाली बहू थपकी है। अब आया हुक्म का इक्का मेरे हाथ में। थपकी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारी शादी का ये पहला जश्न है ना, इसे आखिरी ना बना दिया तो मेरा नाम भी साक्षी नहीं। तुम्हारी सारी सच्चाई मैं आंटी को बता दूंगी। हुए 50,000 दे चाबी। रेहान 49,000 है, बस 1,000 कम है यार, ये रख और चाबी दे मुझे। भाई जुबान चाहे 1,000 की हो या 1,00,000, जुबान जुबान होती है। और वैसे भी हम लेंगे तो पूरे 50,000, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। रेहान बात तो समझ। बेटा अपने बाबूजी से पैसे ले लो, उधार समझ के ले लो बेटा, खुद तो परेशान हो ही रहे हो, थपकी को भी परेशान कर रहे हो। माँ, अरे तुम बात कर सकते हो मुझसे, मुझे ना सुनाई दे रहा है क्या?
मेरे बेटे ने डॉक्टर से कह के दवाई बदलवा दी और मैं ठीक हो गई। ले लो ना बाबूजी से पैसे। माँ, मैं आपकी हर बात मानता हूँ ना, और हमेशा मानता रहूंगा, लेकिन प्लीज इस बात के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। नहीं चाहिए जाओ। सुनो, आपकी बिटिया ध्रुव का पता नहीं, लेकिन हम तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकते। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, 49,000 हो गए, बस 1,000 की जरूरत है, वो मैं कहीं से तो अरेंज कर लूंगा, तुम घबराओ मत। आप साथ हैं तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। सॉरी सर, इट्स ओके, थैंक यू। क्या हुआ ध्रुव, हो गए पूरे 50,000? नहीं संजय, 49,000 है, 1,000 अभी भी रह गया, और यहाँ पे तो किसी के पास अब पैसे भी नहीं है। अरे तो पूरे 50,000 है। क्या? हाँ, मैंने तो अभी 3 बार गिने, 49,000 है, 50 कैसे हो सकते हैं? अरे ध्रुव, इतना सोच क्या रहे हो, 50,000 पूरे हैं, चलो दे दो जल्दी। 50 हो चुके हैं, अभी दे दो बयान भाई को, भाभी को बाहर निकालो। दो बराबर नहीं ध्रुव, दो ना पैसे। हो गए 50, ले दो चाबी। चलो ध्रुव, 50 हो गए तो ये तो हम रख लेते हैं, लेकिन चाबी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अभी थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। और मेहनत मतलब? चाबी हमारे पास नहीं, चाबी है वहां। कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से, अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से, अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई, हाँ चल गई, मेरी बातों से तू जल गई, हाँ खल गई, तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई। ओ तरवा तू किस खेत की मूली, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा गागरा है, बगदाद से लेके दिल्ली बागरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा गागरा है, बगदाद से लेके दिल्ली बागरा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो आंटी। वो बड़ा बेशरम है तू तो, लिखा है बड़ा ये कमर नजर पता उमर, देखो बेरुखी पे कैसे अटका है पड़ा।
पे ब्रेकिंग न्यूज बगदाद से लेके दिल्ली वागरा। मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, तेरी हवा में बहने लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। तुझको जो कहाँ जा रही हो मेरी निशा रानी? बाबू क्यों नाराज हो रही हो तुम? तुम ही तो मेरी निशा हो और मैं तुम्हारा प्रेम। बड़े आए प्रेम वाले। सॉरी सिमरन, सॉरी सिमरन, देखो सिमरन, तुम ही तो मेरी सेनोरिटा हो और मैं ही तुम्हारा राज हूँ ना। अच्छा, और वो कौन थी जिसको देख के तुम्हारा मुंह बार बार खुल रहा था और तुम्हारा भी अभी भी मुंह खुला है? सॉरी बेबी, देखो हम लोग तो सिर्फ डांस एंजॉय कर रहे थे, डांसर को थोड़ी देख रहे थे हम लोग। डांसर तो तुम हो। बढ़िया है, उठा सकते हो। हमारे हस्बैंड ना हमें डम्बू समझते हैं। अरे उनको तो हम बाद में देख लेंगे, पहले ना थपकी को देखो। एक मिनट के लिए भी ना थपकी से नजर नहीं हटाना, नहीं तो बड़ी सासू माँ के सामने ना वो थपकी का सच्चाई आ जाएगा। हाँ, अरे हम का देख रही हो, वहां देखो थपकी को। थपकी, तुम परेशान हो गए ना? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। तब किधर देखो, क्या हुआ, क्यों अपसेट हो तुम? क्योंकि आपने उस लड़की के साथ डांस किया और उसका हाथ भी पकड़ा तो तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। तब की इधर देखो, कमॉन थपकी, तुम्हारे पिंजरे की चाबी उसके कंगन में लगी थी, मैं क्या करता? अगर मुझे वो चाबी चाहिए थी तो मुझे उसका हाथ पकड़ना जरूरी था। देखो मुझे, ट्रस्ट मी, मेरा ध्यान सिर्फ एक बात पे था कि मुझे अपनी थपकी को उस पिंजरे से बाहर निकालना, कैसे भी, बस। हाँ सर, मैं सब समझती हूँ, पर पता नहीं क्यों फिर भी अच्छा नहीं लगा। हाँ ध्रुव सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो आई होप यू एंजॉयड द पार्टी। यस सर। भड़की, वैसे कितना अच्छा होगा ना कि पूरी शादी तक बड़ी सासू माँ को कुछ सुनाई ना दे। हाँ, बहुत मजा आता और हमारा काम भी हो जाता। एक्सक्यूज मी, अब आप लोगों ने कहीं ध्रुव की माँ, मेरा मतलब आंटी को देखा है क्या? नहीं देखा, यहाँ कहीं पार्टी में होगी, कहाँ हुआ, कुछ काम है का? मुझे आंटी को एक बहुत जरूरी बात बतानी है वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जरूरी बात? कौन सी जरूरी बात? मुझे थपकी के बारे में बात करनी है। आंटी को अभी तक नहीं पता कि थपकी रुक रुक कर बोलती है, शायद इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है।
और मुझे आंटी को थपकी की इस कमी के बारे में अभी बताना है। इधर तो कहीं देख नहीं रहे हैं, मैं बाहर जाके देखती हूँ। दादा बड़की, एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब तो हमारा काम ही बढ़ गया। अब थपकी के साथ ना इस साक्षी को भी बड़ी सासुमा से दूर रखना पड़ेगा। मजा आया ना पिंजरे से बाहर आके? वैसे एक बात है, तुम्हें अगवा करने की एक्टिंग बड़ी अच्छी की है ना, तुम्हें सरप्राइज का पता नहीं चलने दिया, और अब तो इतनी अच्छी पार्टी भी दे दी, अब भी कोई शिकायत है? तुमने मुझे किडनैप किया, मुझे बहुत गुस्सा है, फिर तुमने मुझे पिंजरे में भी बंद किया, और फिर ध्रुव सर को भी पैसों के लिए परेशान किया, लेकिन मैं ये सोचकर चुप रही कि तुमने ये जो भी कुछ किया सबकी खुशी के लिए किया, लेकिन आज तुम्हें उस लड़की को यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। ना तुम उस लड़की को डांस के लिए यहाँ लेकर आते हो, ना मैं ध्रुव सर से नाराज होती। आज पहली बार ध्रुव सर से मेरा झगड़ा हो गया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। अरे हमने थोड़ी बहुत हंसी मजाक क्या कर ली, तुमने तो मुंह ही फुला लिया। हद हो गई, हम यहाँ आए थे कि हमने तुम्हें अगवा किया, तुम्हें परेशान किया, तो उसलिए सॉरी बोल दे, लेकिन ना तुम्हें तो हमारी सॉरी भी रास्ते नहीं आएगी। तुम्हारे और हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं और हमेशा रहेंगे, ई फॉर पूरब और पी फॉर पश्चिम। आंटी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, मगर अकेले में। हाँ, तुम पहले भी कह रही थी ना ये बात। किरण? हाँ साक्षी, बोलो क्या बात है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत जरूरी बात है, मुझे बहुत देर से आपको बता रहा हूँ। क्या है तुम दोनों का, इतनी देर से नाटक करे जा रही हो, चुप हो जाओ। मैं तुम लोगों से ना बाद में बात करूंगी, पहले मैं इसकी बात करूंगी, बहुत जरूरी बात करनी है ऐसे कुछ। पर बड़ी सासुमा, चुप। हाँ साक्षी, बोलो। बोलो क्या बोलना है तुम्हें। अब मैं तुम्हारी बात सुनने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी।